दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। और दोस्तों आपको बता दूं, इन्फिनिक्स नोट 7 सीरीज इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों लिस्टेड हो चुके हैं मोबाइल। और इसके साथ साथ दोस्तों एक मोबाइल और आएगा, इन्फिनिक्स का नोट 7 लाइट। अब देखते हैं दोस्तों क्या प्राइस के साथ लॉन्च होता है इन्फिनिक्स ने। दोस्तों इस बार बहुत ही जबरदस्त काम किया है, कमाल का प्रोसेसर यूज किया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों नोट 7 वर्सेस दोस्तों नार्जो 10 की कंपटीशन देखने वाले हैं। क्या इसमें स्पेसिफिकेशन खास होने वाला है, दोनों मोबाइल किस टक्कर के होने वाले हैं, बात करेंगे इसमें क्या स्पेसिफिकेशन होंगे और क्या प्राइस के साथ ये लॉन्च होगी। तो वीडियो इंटरेस्टिंग तो होगा दोस्तों, पसंद आए तो लाइक करना, अगर वीडियो पे नया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बात की जाए दोनों मोबाइल के डिजाइन और डिस्प्ले की, तो सबसे पहले बात करते हैं रियलमी नार्जो के बारे में। तो दोस्तों नार्जो 10 में आपको 6.55 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, प्लास्टिक बैक के साथ आने वाला है। क्वाड कैमरा सेटअप होगा पीछे की तरफ दोस्तों, और आगे की तरफ एक कैमरा होगा सिंगल कैमरा। बात की जाए दोस्तों कैमरा सेटअप्स की, तो जबरदस्त कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेंगे, प्लास्टिक बैक दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों डिजाइन और डिस्प्ले के मामले में बहुत ही अच्छा है, फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की तरफ दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं इन्फिनिक्स के नोट 7 में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों प्लास्टिक बैग इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, 6.95 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई है दोस्तों। तो डिस्प्ले के मामले में बहुत ही बड़ी दी है, एचडी प्लस की डिस्प्ले दोनों में देखने को मिल जाती है, आईपीएस एलसीडी पैनल का यूज किया गया है। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में दोनों ही बराबर देखने को मिलते हैं। बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इन्फिनिक्स के नोट 7 में आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल नया है। और इस प्राइस में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त बात होगी साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देना, तो इन्फिनिक्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है इस टाइम में दोस्तों। अब बात की जाए तो दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो अभी दोस्तों बात करें तो इन्फिनिक्स का नोट 7 थोड़ा बेहतर लग रहा है। नार्जो 10 दोस्तों वही रियलमी की 5 सीरीज है, उस तरह की डिजाइन देखने को मिलती है और जो कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। बात की जाए दोनों मोबाइल के प्रोसेसर की, तो नार्जो 10 में आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर मिलने वाला है, और वही इन्फिनिक्स के नोट 7 में दोस्तों आपको मिलने वाला है मीडियाटेक का हीलियो G70। तो प्रोसेसर दोस्तों बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा जीपीयू में अच्छा देखने को मिलता है G80। और वही दोस्तों सीपीयू की बात की जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिलता सीपीयू में, क्योंकि जो A75 कोर्स है वो भी सिमिलर है, A55 कोर्स भी सिमिलर है दोस्तों, बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई गई है डेली यूजेज के हिसाब से G80 में। बाकी प्रोसेसर बिल्कुल सिमिलर है दोस्तों, इसका कंपैरिजन वीडियो भी हम बनाने वाले हैं जल्दी। तो प्रोसेसर के मामले में थोड़ा सा बेटर होता है G80, तो रियलमी नार्जो 10 में आपको G80 मिलने वाला है और इन्फिनिक्स के नोट 7 में आपको G70 प्रोसेसर मिलने वाला है। बात की जाए दोनों मोबाइल की बैटरी की, तो 5000mAh की बड़ी बैटरी दोनों में सिमिलर देखने को मिल जाएगी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है दोस्तों दोनों ही मोबाइल में, 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी आपको साथ मिल जाएगा, यूएसबी टाइप सी मिलेगा, डेडिकेटेड सिम स्लॉट दोनों में मिल जाएंगे आपको, 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप इस दोनों ही मोबाइल में लगा सकते हैं, तो जो कि बहुत ही बेहतर है। तो इस मामले में दोस्तों दोनों ही मोबाइल सिमिलर लगते हैं, बैटरी दोनों की सिमिलर है। बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा रियलमी का नार्जो 10, जो कि G80 प्रोसेसर डेली यूजेज के और गेमिंग के हिसाब से बहुत ही बेहतर है। G70 भी दोस्तों कम नहीं है, गेमिंग बहुत अच्छे से कर लेता है, तो अच्छे प्रोसेसर आपको ये मिलता है दोनों मोबाइल में। बात करें दोस्तों दोनों ही मोबाइल के कैमरास की, तो नार्जो 10 में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस मिलने वाला है। तो कैमरा के हिसाब से बहुत ही बेहतर मिलता है नार्जो 10, सेल्फी मिलेगी 16 मेगापिक्सल की, तो वो बहुत ही बेहतर है। अब बात करें दोस्तों रियलमी नहीं इन्फिनिक्स के नोट 7 में आपको क्या मिलेगा, तो इसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2-2 मेगापिक्सल के और कैमरे मिलेंगे, साथ में एक 0.8 का जीपीयू सेंसर देखने को मिलने वाला है। तो कैमरा दोस्तों बेटर देखने को मिलता है रियलमी नार्जो 10 में, थोड़ा सा दोस्तों कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, और सेंसर दोस्तों बिल्कुल सिमिलर है, जो कि सैमसंग का GM1 सेंसर मिलता है, तो कैमरा के हिसाब से बहुत ही बेहतर होगा, और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलने वाली इन्फिनिक्स के नोट 7 में, तो कैमरा के हिसाब से ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब जब ये लॉन्च होंगे तो टेस्ट करके देखेंगे कि कौन सा बेटर लगता है। अब बात करें सेल्फी की, तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी बिल्कुल बराबर देखने को मिल जाती है, तो दोस्तों ये मोबाइल दोनों ही बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, और कंपैरिजन के हिसाब से ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है।
अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, इन मोबाइल की प्राइस। इंडिया के अंदर जीएसटी बढ़ चुका है तो प्राइस आपको 10,000 के करीब तो देखने को नहीं मिलती है, थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। और इन्फिनिक्स नोट 7 की प्राइस तो दोस्तों जहां पर ये लॉन्च होने वाला है वहां पर निकल के आ चुकी है, लगभग दोस्तों 11,000 के आसपास इसकी प्राइस होने वाली है। और दोस्तों रियलमी नार्जो 10 की बात चलती है 10,000 के आसपास आने वाला है, पर अब दोस्तों 10,000 के आसपास नहीं देखने को मिलेगा, जो कि जीएसटी बनने के बाद सब मोबाइल की प्राइस 1,000 रुपए बढ़ा दी गई है। अब देखते हैं दोस्तों रियलमी नार्जो 10 सीरीज कहां से शुरुआत होती है। लगता है दोस्तों 12,000 के आसपास रियलमी नार्जो 10 आपको देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 10 के साथ दोनों मोबाइल आने वाले हैं और इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको XOS 6 का यूआई देखने को मिलेगा। वही दोस्तों रियलमी का न्यू है, रियलमी यूआई देखने को मिल जाएगा। दोनों में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है और ये दोनों ही कंपनी जबरदस्त मोबाइल लॉन्च करी है इंडिया के अंदर। मई के महीने में दोस्तों ये दोनों मोबाइल आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली इन दोनों की प्राइस, अगर प्राइस दोस्तों थोड़ी सी अच्छी रखता है इन्फिनिक्स तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त मोबाइल निकल के आ सकता है इन्फिनिक्स का नोट 7। नोट 7 लाइट तो कुछ ज्यादा करने वाला नहीं है, मीडियाटेक का P22 प्रोसेसर दिया गया है, पर जो नोट 7 है उसमें आपको G70 जो कि मीडियाटेक का गेमिंग प्रोसेसर है, जबरदस्त प्रोसेसर है, देखने को मिल जाएगा। अगर 10,000 के प्राइस में इन्फिनिक्स नोट 7 लॉन्च होता है तो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल है इन्फिनिक्स की तरफ से। और रियलमी नार्जो 10 अगर प्राइस के कम करता है तो देखने की होगी कि क्या टक्कर देखने को मिलती है प्राइस के हिसाब से। जब ये लॉन्च होगा तब एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डालेंगे। आज के वीडियो बस यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना।